हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। मैं बाहर हूँ एक ऑफिशियल वर्क पर। वो ऑफिशियल वर्क क्या है? बोर्ड प्रैक्टिकल्स। आज से बोर्ड प्रैक्टिकल्स शुरू हो गए हैं और आज मैंने जो देखा वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, और जिन बच्चों के भी प्रैक्टिकल नहीं हुए उनको बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ से। तो वीडियो पूरी देखिएगा, छोटी सी वीडियो मैं रस्ते में बना रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, यहाँ पर मैं कॉफ़ी पीने रुका था इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, प्रैक्टिकल आज से शुरू हो गए हैं, प्रैक्टिकल बहुत अच्छे हो रहे हैं कंडक्ट, लेकिन प्रैक्टिकल मैंने क्या देखा कि बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं थे। वाइवा काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रही है, CBSE इस बार स्ट्रिक्ट मोड पर है। प्रैक्टिकल फाइल अगर आपकी नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। अगर कोई मॉडल बना के ले जा रहा है तो उससे बहुत इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, और वाइवा का स्पेशल ध्यान रखना है आपको। अगर वाइवा आपकी सही है तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, तो वाइवा का ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रैक्टिकल फाइल साइन करवा लो, अगर प्रैक्टिकल नहीं हुए अब तक। आज तो पहला ही दिन था 1 जनवरी को, तो अगर आपकी प्रैक्टिकल फाइल साइन नहीं हुई है तो अभी करवा लो। टीचर से ये मत सोचना कि टीचर करेगा नहीं और टीचर आपको डांटेगा, लेकिन अपने टीचर हैं स्कूल के, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे अच्छा कि बाहर का एग्जामिनर डांटे, इससे अच्छा तो आपका टीचर ही डांट दे तो बेटर रहेगा। क्यों भाई, गलत कह रहा हूँ कुछ बच्चों? इसके अलावा देखो, वाइवा में कोई सिलेबस नहीं होता है। जनरली CBSE के जो एग्जामिनर होते हैं वो वाइवा प्रैक्टिकल से लेते हैं, आपके जो आप पे प्रैक्टिकल आया उसी से लेते हैं। लेकिन अगर बच्चा नहीं बताता और बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं होता है तो फिर वो वाइवा फिजिक्स के जो टॉपिक है उनसे ही पूछ सकते हैं। जब टीचर को लगता है कि बच्चा डर रहा है तो उस टाइम टीचर फिर नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है बच्चे से, घर पापा क्या करते हैं ऐसे पूछ लेते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, हॉबी क्या है, कहाँ के रहने वाले हो। जैसे आप बताओगे पटना का रहने वाला हूँ तो पटना किस लिए फेमस है, पटना में कौन सी नदी है, गंगा जी हैं क्या, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। वो तब जब आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते और आपको लगता है कि आप डर रहे हो। प्रैक्टिकल फाइल में बार बार कह रहा था बना लो, अभी भी नहीं बनाई, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगी, कोई डरने वाली बात नहीं है। प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनी तो बना लो। ये देखो ठंड, और मैं कहाँ पर हूँ देखिए, मैं कॉफ़ी पीने रुका था यहाँ, एक ये फूड कोर्ट है यहाँ पर बहुत बड़ा, मैं अक्सर यहाँ रुकता हूँ। ये मुजफ्फरनगर मेरठ हाईवे पर है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी कॉफ़ी मिलती है बरिस्ता की सामने, तो यहाँ मैं रुक जाता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा ड्राइविंग, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा हो रही है तो इतनी धुंध में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों। तो वाइवा अपनी ध्यान रखो, डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। अपने जो एग्ज़ामिनर हैं आपके स्कूल वाले इंटरनल, उनको थोड़ा उनसे बात कर लो, सर क्या दिक्कत हो सकती है, इस बार CBSE स्ट्रिक्ट है, वीडियोग्राफी हो रही है, मार्क्स उसी दिन अपलोड करने हैं स्कूल को जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होना है, वो भी 5 बजे से पहले। तो ये भी कंफर्म कर लेना कि आपने रोल नंबर सही भरा है नहीं भरा है। रोल नंबर आपको 2 बार भरना है, एक अंकों में और एक वर्ड्स में। अगर आपको लगता हो कि आपको भरने में दिक्कत आ रही है, आपको भरने में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो शर्माना मत, अपने टीचर से पूछ लेना रोल नंबर कैसे भरना है। कोई शर्माने की बात नहीं है भाई पूछने में, हम भी पूछते थे, आप भी पूछ सकते हो। इसके अलावा देखो, रोल नंबर सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ, कोड, कौन सा प्रैक्टिकल आप कर रहे हो। एग्जामिनर के साथ बहस नहीं करनी है, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप पूछ लो, सर हमें नहीं आता हमें बता दो, तो कोई भी डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो भाई मेरी भी ड्यूटी है, अभी मैं कहीं से आ रहा हूँ इसी, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, कोई सवाल हो एक प्रैक्टिकल से रिलेटेड तो बता देना, वैसे कोई डरने की बात नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर, जय हिंद।